इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। मुंबई के खार इलाके में एक कोरियन यूट्यूबर महिला के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना 23 तारीख के रात की है, जिस समय वो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव वीडियो बना रही थी। उसी समय बाइक पर आए दो लड़कों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। छेड़छाड़ करने की कोशिश की, वो किसी तरीके से वहां से जान बचाकर भाग निकली, लेकिन ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद मामला मुंबई के खार पुलिस के पास पहुंचा और खार पुलिस ने खास तौर पर उस वीडियो के आधार पर सोमोटो एक FIR 354 के तहत IPC की धारा में FIR दर्ज की और उन दोनों लड़कों की तलाश शुरू कर दी। और आज सुबह तड़के करीबन 4 से 5 के बीच में मुंबई के बांद्रा इलाके का जो शास्त्री नगर है, वहां से उन दोनों जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ लिया है। एक का नाम मोबिन अंसारी है जो 19 साल का है और एक मोहम्मद नजीब एक आरोपी का नाम है जो 21 साल का है और उन दोनों को अभी फिलहाल इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। कल मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक वीडियो ब्लॉगर महिला के साथ दो युवक छेड़छाड़ कर रहे ऐसा दिख रहा था। ये घटना खार पुलिस स्टेशन के अंडर हुई ऐसा जांच में पता चला, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगे ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें FIR दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है। कुछ देर पहले उनका मेडिकल करा के उनको यहाँ पर लाया गया था और फिर उन्हें बांद्रा पुलिस जो कोर्ट है वहाँ पर ले जाके पेश किया जाएगा। लेकिन इस घटना से पूरे खास तौर पर जो विदेशी महिलाएं बड़े पैमाने पर विदेशी सैलानी मुंबई में आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी है मुंबई, यहाँ पर जब आती हैं तो इस तरीके की जब घटना होती है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियो वायरल हो जाने की वजह से इस मामले में तुरंत पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया और FIR दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कैमरा मैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।